आज है 4 सितंबर और आज 4 सितंबर की सुबह से ही सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली है। वैसे आपको बता दूं, उथल पुथल के साथ में सुशांत का परिवार, सीबीआई, सुशांत के फैंस, याद रखिए रिया चक्रवर्ती, ये सभी इंतजार कर रहे हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिसके बारे में जानकारियां जुटा रहा है इस समय एम्स। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइन। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कूपर हॉस्पिटल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था, इन सभी बातों को लेकर जो है वो शक की आशंकाएं जताई गई थी। इसके बाद सीबीआई ने सबसे पहले आते ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करने के लिए एम्स को दे दी थी और एम्स जो है वो आज ही के दिन यानी कि 4 सितंबर को इस रिपोर्ट को देने वाला है, जिसके लिए 4 डॉक्टर्स की टीम जो है वो बिठाई गई थी और इसकी जांच करने के लिए जो है वो पूरा बताया गया है कि जांच की जाएगी वो 4 डॉक्टर्स की टीम। आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो रिपोर्ट जो सामने आने वाली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से ही साबित किया जाएगा कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर उनका मर्डर हुआ था। इस बात को लेकर ऑलरेडी पहले भी बातें उठ चुकी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बातें उठाई थी कि जिनके पास में, एम्स के पास में अगर सुशांत की डेड बॉडी ही नहीं है तो वो इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सुसाइड या मर्डर है। खैर, अब फिलहाल इंतजार हो रहा है इस बात का कि कब इस रिपोर्ट को, सब उस रिपोर्ट सामने आएगी और रिपोर्ट में क्या आता है। और इससे पहले ऑलरेडी सीबीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात आ चुकी है कि इनिशियली सीबीआई किसी भी इंटरनल बात को बाहर नहीं बता रही है। तो हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट सामने आए इसको जो है वो कॉन्फिडेंशियल भी रखा जा सकता है। फिलहाल हर कोई इंतजार कर रहा है कि सुशांत का मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है, एम्स अपनी रिपोर्ट में क्या भेजती है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रहे चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।